ये देखिए, मेकिंग अ या कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालना देखिए, और इसको आपका श्रीधराचार्य सर के और कुमार कयाम सर के फॉर्मूले को आप कैसे ड्राइव करते हैं, देखो आपका डेरिवेशन। और ये फिर जो सवाल अभी अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से जो बताया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन से डी निकाल करके, वो इसको आप इस मेथड से भी करेंगे जिनको वास्तव में प्रॉपरली श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। तो देखो अब आपका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको छोड़ दीजिए आप मैंने सर। देखिए एक कंप्लीटिंग इस सवाल को भी बिल्कुल आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए आपका ना ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, ये आपका देखो वो जो सवाल इससे पहले था हमने फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमारे पास था तो हमने उसको टूल की तरह एप्लीकेशन की तरह यूज करके आंसर लाए। आप इस सवाल को देखो ऐसे कैसे करेंगे उसको समझा रहा हूं, देखिए आपका डिवाइड by the coefficient of x square। देखिएगा ध्यान ध्यान से, इधर सर मयूर जी यहां ध्यान दीजिएगा, ये x square ऊपर देखो a plus देखो b by a x और plus c by a और इसी बराबर zero by a, जो प्रोसीजर है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कई कहते क्या होगा जीरो से जीरो को डिवाइड कर देंगे, तो लिखो नहीं लिखो, क्यों नहीं लिखो भाई, क्यों नहीं लिखो, तो देखो a से a कैंसिल हो गया, देखो अब आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू b by a x और प्लस देखो c by a ऐसे बढ़ जाएगा, कितना आ गया देखो। अब यहां क्या करेंगे देखो, मल्टीप्लाई बाय हाफ विद द कोफिशिएंट ऑफ आपका देखो x, अब कहीं कुछ नहीं करेंगे, ये आपका ऐसे ही आ गया, ये जो x का कोफिशिएंट b by a है देखो इसके कोफिशिएंट के साथ आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हाफ से, इसका ये फॉर्मूला है आपका देखो करने का प्रोसीजर है इक्वल टू जीरो ना। अब आपका देखो पहले x का कोफिशिएंट देखो आपका b by a था, अब हाफ से मल्टीप्लाई करके आपका ये b by 2 a आ गया, b by 2, तो अब आपका देखो एडिंग एंड सबट्रैक्ट, या तो आप लिखिए एडिंग बोथ साइड्स लिख दीजिएगा, अगर आप खाली इधर ही कर रहे हैं एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो अब आया है देखिए ये 1 अपॉन 2 यानी कि b by 2a का स्क्वायर को आप ऐड भी करो और सबट्रैक्ट भी करो, ऐड भी करो और सबट्रैक्ट भी करो, ये देखो x स्क्वायर प्लस देखो यहां b by a x, देखो इसमें आपने देखो b by 2a इसके स्क्वायर को आपने देखो ये ऐड भी किया, देखिए ऐड भी किया देखो ये c by a अपनी जगह में और माइनस देखिए ये b by 2a के स्क्वायर को आपने ये देखिए सबट्रैक्ट भी किया और इक्वल टू जीरो, ये कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, किसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये प्रूफ भी हो रहा है आपका देखो ना श्रीधराचार्य सर का फॉर्मूला में। अगर किसी ने कहते प्लीज ट्राई द फॉर्मूला, उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हो गया सर, देख रहे हो सर, बना दो x स्क्वायर प्लस हाँ b by a प्लस देखो b by 2a का होल स्क्वायर देखिए इक्वल टू उधर चलेगा देखो आपका b by 2a का होल स्क्वायर और माइनस c by a, दोनों को आपने क्या किया उधर कोटी में ले गए जहां जीरो था, आपका देखो माइनस प्लस में कन्वर्ट और प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट, इधर देखिए आप इसका देखो कितने पोर्शन का देखो ये इधर सर कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्ड बनाइए जो चिप होकर के आपका नाम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, यहां देखिएगा वह आपको क्लियर दिखा रहा, देखो एक्स इज इक्वल टू आपका नाम एक्स ही है और ए इज इक्वल टू सॉरी और बी इज इक्वल आपका देखो बी बाई टू ए है, देखिए ए का स्क्वायर देखो बी का स्क्वायर इसका देखो
इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं, देखो आप करा एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू आईडी, ये देखिए x का स्क्वायर देखो प्लस फिर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख दीजिएगा आपका, देखो ना b by 2a का स्क्वायर, ये देखिए और प्लस 2 फॉर्मूले में होता, देखिए प्लस 2 फॉर्मूले में होता, a की वैल्यू x और b की वैल्यू देखो b by 2a, 2 से देखो यहां देखिए 2 से अगर मैं 2 को कैंसिल कर देता हूं, देखो ये चले गए आप इधर, ये देखो आ गया b by 2a आ रहा, देख रहे हैं आ रहा है, देखिए तो देखो इक्वल टू यहां आपका देखो b स्क्वायर का और 2 टू द 4 a स्क्वायर और माइनस c by a, ये देखो अब आप इसको जिप कर दीजिए, कॉम्पैक्ट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देखो x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर और इसी इक्वल टू ये आपका देखो b स्क्वायर ओवर 4 a स्क्वायर और माइनस c by a, प्लस इधर था तो ये माइनस नहीं आएगा 14। अब देखो यहां से जब स्क्वायर हटेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले पहचान है, तो दूसरी तरफ आपका स्क्वायर रूट में आएगा, तो देखो x प्लस b बाय 2a, देखो 2a इज इक्वल स्क्वायर हट गया तो ये आपका देखो ऑटोमेटिकली ये आपका देखो b स्क्वायर ओवर 4 a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, ये आ गया। अभी x इज इक्वल टू देखो ये भी फिर इधर से जाएगा, देखो माइनस b बाय 2a, ये देखिए और ये प्लस माइनस आपका देखो ये b स्क्वायर ओवर 4 a स्क्वायर और माइनस c बाय a, x इज इक्वल b ओवर 2a, ये देखो प्लस माइनस इन दोनों का एलसीएम देखो अंदर 4 a स्क्वायर ले लीजिए, इन दोनों का ये a इसी में आ जाएगा, देखिए आपका तो 4 ये आ गया a स्क्वायर इन दोनों में से ये आपका देखो अब 4 a स्क्वायर बन गया तो देखो b स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल तो देखो आपका है 4 a आ गया, तो ना x इज इक्वल माइनस b बाय 2 a और देखो प्लस माइनस ये देखिए b स्क्वायर माइनस 4 a से और नीचे का रूट हट जाएगा 4 आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का आपका a आ गया 4 a स्क्वायर का आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो ना x इज इक्वल माइनस b इधर इधर से ये b स्क्वायर माइनस 4 a से पर अपॉन आपका देखो ये 2 है, देखिए आपका फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया आ गया ड्राइव क्लियर। तो प्लीज एक मिनट, हाँ कई टीचर क्या करते हैं देखो ये इसको मिस कर देते हैं और सीधा सीधा कह देते हैं कि आपका इसका जो इसको नहीं सीधा कह देते हैं, इसके बाद इस सीधे स्टेप को यहां उठा देते कि b by 2a का होल स्क्वायर कर दीजिए, कैसे किया आपने तो इसमें मैंने आपको लॉजिकली सारे स्टेप्स को बिल्कुल क्लियर करके बताने का प्रयास किया। क्लियर प्लीज डू इट।